Assalamu alaikum everyone, my name is Arif Ali, I am from PakWheels.com, Pakistan's number one website for buying and selling of cars, bikes and auto parts. And today we can see that we have United Bravo's launch event. The price of the car is 8.5 lakh. First impressions, I will say that I am a little hesitant to say it, but in the car there are build quality issues that we can see now. It can be that after some time when we improve our production, these imported units, it can be that in Pakistan they have a little bit of quality control, they can monitor themselves and improve their build quality. But now, unfortunately, there are some weak points that you will see, so you will know that maybe its price, which is currently 8.5 lakh, is not justified. Otherwise, as far as looking at the car, I guess it looks fine. So, I will say that there are gimmicks in the car. They will say gimmicks. If you don't get a good build quality, then of course, the rest of the things that are covered for it are gimmicks. Maybe it is a digital cluster meter or an infotainment system, alloy wheels, etc. These kinds of things. I guess कि वो बहुत सी चीजों को मास्क करने के लिए बीच में दी गई हैं, लेकिन जो उसके कुछ ऐसे inherent issues होंगे जो गाड़ी को 6 महीने साल बाद जो उसके buyers हैं, they will be a bit disappointed कि उन्होंने किस किस्म की गाड़ी या क्या खरीदा है. Otherwise, it's a new addition to our industry. That is a good thing. At least कुछ आया पाकिस्तान में. That is important. How would it perform? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कंसीडरिंग जो अभी हमारे फर्स्ट इम्प्रेशंस हैं इस गाड़ी के बारे में, जो अभी मैंने कुछ आपको बातें बताई हैं. उसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा. गाड़ी में 3-सिलेंडर सॉक सिंगल ओवरहेड कैम के साथ EFI इंजन इन्होंने दिया हुआ है. इनलाइन 3 Euro 2 इंजन है. उसके अलावा 4 फॉरवर्ड गाड़ी गेयर है, बेसिकली 4 स्पीड जैसे आपकी मेहरान होती है, 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स. उसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, वो एक यकीनन एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा फीचर है जिसका इनको क्रेडिट देना चाहिए इस कंपनी को. सामने जो फ्रंट पे इसके डिस्क ब्रेक्स हैं, बैक पे इसके ड्रम हैं. उसके अलावा जो इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 30 लीटर्स. अदर देन दैट, उसमें जो फिर यूजुअल चीज़ें हैं जो सन वाइजर्स वगैरह या जो इस किस्म की चीज़ें मेंशन की हुई हैं, कैबिन लैंप, फ्रंट एंड रेयर सीट्स मटीरियल फैब्रिक है इसमें, और रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग फ्रंट सीट्स हैं, एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट हैं, असिस्ट ग्रिप, ग्लव कंपार्टमेंट, रेयर व्यू मिरर वगैरह, 2 कप होल्डर्स, ये सारी ऑफ यूजुअल चीज़ें हैं जो डोंट थिंक के दे मैटर दैट मच कंसिडरिंग कि उसकी ओवरऑल पैकेज के आपको मिल रहा है. एक और जो इसमें एक अच्छी चीज़ है वो रिवर्सिंग कैम है. वो एक आजकल की नीड है, वो होना चाहिए और वो इसमें है. दैट इज़ अ गुड थिंग. उसके अलावा ऑफकोर्स इसमें पावर विंडोज़ भी हैं. जो मुझे एक इशू है इस गाड़ी के साथ वो ये है, जो मेरे ख्याल में अक्सर ओनर्स को होता है जो कुछ कोई भी चाइना के प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कि हाउ लॉन्ग वुड इट लास्ट, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कैसे करेगी, व्हाट आर द चांसेस के साल बाद इसकी गाड़ी में जो एक वो टिपिकल एक 20 साल पुरानी 30 साल पुरानी गाड़ी की जो खचक होती है वो ना आ जाए इसमें. ये कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हैं. लोग गाड़ी ख़रीदेंगे, उसको चलाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा. अभी फ़िलहाल इतना ही. मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. वंस अगेन प्लीज़ कीप विजिटिंग PakWheels.com. थैंक यू. Gari ki deals only on PakWheels.